अमर बाबू इधर उधर की चाग रहे हैं। ओ आ भाई मंसू यार, चंगा पड़ा साइकिल इतने खड़े करके मैं अंदर दुकान से सौदा लेने गया सी। बाहर आके देखा था फूक निकली हुई। ओहो इस पिंड दा बंदियां दी फूक निकली हुई है। ये तो बेचारा साइकिल है, कहानी कोई नहीं, तू फस यार जा। ओ कहानी कोई नहीं पर चलिया कितने हैं? मैं कहते पीछे पीछे तुरिया, कहानी कोई नहीं, आ जा आ जाओ आ जाओ, पहुंच गया टिकाने से, हूं तो बस काम होया ही ला, आ जाओ। पहले गली की चाकी जाना है, बीमार ए नहीं, बीमार है ना साइकिल, हाल है ये दिया नब्जा ठीक कर। पहले कन जे की ठीक करी जाना है, हाँ बीमार ना फूक ही निकल गई। जज सवेरे माए दुकान का उद्घाटन ना किया हों पर तेन शहर जाना पैंता पेंचर लवा तो भी तुपे। ये छोटी हट्टी देख के की हसे हो, ये बीमार साइकिल का बहुत बड़ा अस्पताल है, तो यह डॉक्टर बाला जेड़ा बीमार साइकिलों के इलाज का 3 साल का कोर्स करके आया। तो इतों बथेरे डॉक्टर गए, बथेरे आए पर कोई नहीं टिकया। ये डॉक्टर साहब भी कहते थे भी मैं शहरी अस्पताल खोलना, पर मैं जबरदस्ती रख लिया। मैं क्या इस पिंड के बीमारा का की बनूंगा। पर मंसू पिंड तो इन्ने साइकिल देंदे नहीं, कहानी कोई नहीं, जो हट्टी खोलेगी तो साइकिल ही साइकिल, तो नाले सोडा साइकिल कहना होर पासे जाना है, जो पेंचर होया फट इत। लगता बाबू जी तुम इस पिंड नवे आयो। मेरे बारे पंडित मंगतू राम जी ने दसी दिता है कि मैं 3 साल लई कम से कम गया हुआ सी। 3 साल जी? हाँ जी, मैं भी हूँ इस पिंड में नवा नहीं रह गया। मेरा नाम अमर है, ते अपने पुरखा की पलाई हुई जमीन 6 महीने तो आबाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मतलब है कि तुम अपने पुरखा दी गलतियां तो ना आयो। बड़ियां दी कीतियां हुई गलतियां छड के अच्छाइयां अपनाना ही साडा फर्ज है। की सोचने लग पे? सोच रहा जिन्हों अपना हम ख्याल मिल जाए वो कितना खुश नसीब होता है।